अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉली अज़ीम हाजिर है फिर एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, मैंने लास्ट टाइम आपको एक सेशन में होममेड खमीर या होममेड यीस्ट बनाना सिखाया था, तो दोस्तों उससे मैं आज आपको दो किस्म की सिंपल सी फ्लैट ब्रेड बनाना सिखाऊंगा। ठीक है, एक तो होगी फेनुग्रीक ब्रेड फ्लैट, ठीक है, और एक होगी कलोंजी वाली या कलोंजी जो भी आप कहते हैं अपनी ज़बान में, कलोंजी ब्रेड होगी, ठीक है, वो भी फ्लैट होगी। तो इसे मैं फ्राई पैन में बनाऊंगा, ठीक है, और तवे पे बनाऊंगा, ठीक है, स्टोव टॉप पे बनाऊंगा, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगा कि घर के बने हुए यीस्ट के साथ भी आप बहुत अच्छी किस्म की ब्रेड बना सकते हैं। चलें दोस्तों, इसे शुरू करते हैं। नहीं जी दोस्तों, मैंने यहाँ पे सारी सेटिंग की हुई है। ये है हमारा होममेड यीस्ट जो मैंने तकरीबन एक कप के साथ बनाया है। इसमें ऑलरेडी 1 टेबल स्पून शुगर और हनी भी शामिल है 1 टीस्पून के करीब, ठीक है। तो इस वजह से हम इसमें कम डालेंगे जो अज़ा होगा। मैं 1/2 टीस्पून के करीब सूखी मेथी इस्तेमाल करूँगा, 1/2 टीस्पून के करीब मैं कलमंजी इस्तेमाल करूँगा, 1 कप मैदा, इसे मैंने छान के साफ सुथरा करके यहाँ रखा हुआ है, और इसमें तकरीबन 1/2 टी स्पून के करीब मैं इसे पीसी चीनी इस्तेमाल करूँगा, और तकरीबन 1/2 टी स्पून ही मैं इसमें नमक इस्तेमाल करूँगा। 2 टेबल स्पून मेरे पास मेल्टेड बटर है, मैंने इसे मक्खन को पिघला के रखा। अगर आपके पास मक्खन नहीं है तो आप वेजिटेबल ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं और घी भी इस्तेमाल सकते हैं, लेकिन पिघला हुआ और रूम टेम्परेचर पर। चले दोस्तों, इसे शुरू करते हैं। 1/2 टी स्पून इसमें चीनी मिला दें पीसी, अगर आपके पास पीसी नहीं तो आप साबुत मिला दें। 1/2 टी स्पून नमक, ठीक है, ये हम बाद में ऊपर स्प्रिंकल करेंगे, सबसे पहले हम इसे गूंदेंगे। टू टेबल स्पून मेल्टेड बटर, इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। और दोस्तों, इसमें थोड़ा थोड़ा करके मैदा मिलाते जाएं। ये हमने पतला नहीं जिसे कहते हैं चिपचिपा किस्म का डो, वो बनाना है ना, बहुत ही पतला और ना बहुत ही जिसे कहते हैं सख्त, ठीक है। चले दोस्तों, इसे मैं अच्छे तरीके से मिलाता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ये थोड़ा थोड़ा करके सारा इसे घोल लें अच्छे तरीके से इसमें। लेंगे दोस्तों, होममेड यीस्ट में मैंने 1 कप मैदा मिला के नमक चीनी और मक्खन मिला के इसे अच्छे तरीके से घोल लिया है। ये देखें, ये इस फॉर्म में होगा, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है, ये इस फॉर्म में होगा। हमें इस तरह का ही रखना पतला, ठीक है, और ये बहुत ही फाइन और मज़ेदार सॉफ्ट किस्म का स्पंजी किस्म का हमारी इससे ब्रेड बनेगी, ठीक है। तो अब हमने इसे 1 घंटे के लिए ढककर गर्म जगह पे रख देना है, किचन में रख दें, फ्रिज के ऊपर रख दें, या ऐसी जगह पे जहाँ पे टेम्परेचर 25 से 30 हो या 35 डिग्री हो, ठीक है। तो इसे फिर हम एक से दो घंटे रख कर इसके बाद ये जब डबल इन साइज़ हो जाएगा तो फिर हम इसे बेक करेंगे। चलें दोस्तों, वेट करते हैं फिर। लें जी दोस्तों, हमारे अच्छे तरीके से 2 घंटे हो गए, इसे तकरीबन 1.5 से 2 घंटे मैंने इसे गर्म जगह पर रखा हुआ था। इस आटे को गूंद के देखते हैं, ये देखिए, ये अच्छे तरीके से डबल साइड हो गए, ठीक है। अब हम इसे फैलाते हैं जिसके अंदर हमने बेक करना है, इसके ऊपर कलवंजी लगाते हैं और मेथी दाना लगाते हैं, यानी सूखी मेथी लगाते हैं, सॉरी मेथी दाना नहीं, और इसे बनाते हैं। लें जी दोस्तों, इस तरह का पैन लेके, ठीक है, इसे अच्छे तरीके से ग्रीस कर लें जिस पैन में आपने इसे बेक करना है।
दोस्तों अब ऑप्शन हमारे पास ये है जी, आप इसे टोस्टर ओवन में कर सकते हैं, कन्वेक्शन ओवन में कर सकते हैं, या आम ओवन में भी कर सकते हैं। ठीक है, 15 से 20 मिनट में आपका ये 200 सेंटीग्रेड के ऊपर जो है ब्रेड बेक हो जाएगी, फ्लैट ब्रेड। ठीक है, इसे अच्छे तरीके से लगा लें इसे इसके नीचे ताकि ये चिपके ना। चलें दोस्तों, अब जो हमने बैटर बनाया था इसके ऊपर डाल दें। दोस्तों ये बहुत चिपचिपा सा है, ठीक है, तो आपने हाथों पे ऑयल लगा लेना है, मैंने नहीं लगाया, तो ऑयल के ज़रिए आपने इसे फ्लैट करना है। और जैसे ही मैं इसे फ्लैट करता हूँ मैं फिर आपको दिखाता हूँ। नहीं जी दोस्तों, मैंने इसे पैन के अंदर फैला दिया, हल्का सा मक्खन लगा के नीचे, उसके ऊपर मैंने थोड़ा सा आधी टीस्पून के करीब मैंने ऑयल लगा के, आते घी ये लगा लें आप, ठीक है, उसके ज़रिए से मैंने बिल्कुल फ्लैट कर लिया है। अब आपके पास ऑप्शन है, यहाँ पे आप कुछ भी इसके ऊपर लगा सकते हैं, इसे पिज़्ज़ा ब्रेड भी बना सकते हैं, ठीक है, इसे फ्लैट ब्रेड भी बना सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपके लिए दो किस्म की इसकी टॉपिंग करूँगा, जो बहुत सिंपल है। तकरीबन हाफ टी स्पून के करीब मैं कलौंजी, या हाफ साइड के ऊपर मैं कलौंजी डालूंगा ऐसे। तो ये फ्लैट ब्रेड भी कह सकते हैं आप इसे, नान कह लें, कलौंजी वाला, मेथी वाला, लेकिन नान जो थोड़ा हमारा सख्त होता है उससे भी सॉफ्ट बनेगी। तो ब्रेड कहना ज़्यादा बेटर है इसे। और अब तकरीबन 1 टीस्पून या हाफ टी स्पून के करीब हम मेथी डालेंगे इसके ऊपर दूसरी साइड पे। यानी देखिए मैंने आपके लिए 2-in-1 तैयार कर दी है। और यहाँ पर एक और ऑप्शन, आप काली मिर्च भी डाल सकते हैं, नमक भी डाल सकते हैं हल्का हल्का इसके ऊपर, ठीक है, और कुछ भी अपने डिज़ायर टॉपिंग कर सकते हैं, इवन दम पिज़्ज़ा भी इसे आप बना सकते हैं। अब हम इसे 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ेंगे, फिर उसके बाद हम इसे बेक करेंगे। इसे हल्के हाथ से आप एक इस तरह प्रेस कर दें ताकि ये चिपक जाए साथ अच्छे तरीके से। चलें दोस्तों, इसे 10 मिनट के लिए ढक के छोड़ते हैं, ठीक है, इसके ऊपर ढक्कन कोई ढक्कन दे दें ताकि ये और प्रूफ हो जाए 10 मिनट के, फिर उसके बाद बेक करते हैं इसे। लें जी दोस्तों, हमारे तकरीबन 10 मिनट हो गए, मैंने इसे ढक के रखा हुआ है। तो यहाँ अब आपके पास ऑप्शन हैं, ठीक है, आपने इसे चूल्हे पर भी बेक कर सकते हैं, ठीक है, और टोस्टर ओवन वगैरह में, कन्वेक्शन ओवन में भी। लेकिन अगर आपने चूल्हे पर करना है दोस्तों, आपने इसे बिल्कुल तवे के ऊपर रखना है, इस तरह जैसे मैंने रखा हुआ है ऐसे तवे पर रखना है, और नीचे बिल्कुल दम वाली आग से थोड़ी सी आग तेज़ रखनी है, ठीक है, और उसके ऊपर आपने इसे ढक्कन दे देना है इस तरह, ठीक है, 10 मिनट्स आपने एक साइड पे करना है, ठीक है, फिर ये इसके साथ चिपक जाएगा, फिर आपने इसे उल्टा कर देना है इसके ऊपर बैक के ऊपर, फिर आपने 10 मिनट्स देने, तकरीबन आपके 20 to 25 मिनट्स के अंदर बहुत ही अच्छा बेक हो जाएगा। लेकिन दोस्तों मेरे पास टाइम कम है, मैं इसे सोच रहा हूँ कि ओवन में करूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। लें जी दोस्तों, मैंने अपना ओवन 5 मिनट प्रीहीट कर लिए, ठीक है, मैंने दोनों साइडें ऑन कर लिए, नीचे वाली भी ऊपर वाली भी, ठीक है, वो हार्डी है 10 to 15 मिनट्स के अंदर बेक हो जाएगा, ठीक है। तो आप मैंने पहले से करना था तवे के ऊपर ही इसे बेक, ठीक है, तो मेरे पास टाइम कम है, उसमें टाइम ऊपर नीचे हो सकता है, तो इसमें एक्जैक्टली 10 to 15 मिनट में आपका बेक हो जाएगा 400 फारेनहाइट पे, 200 सेंटीग्रेड पे। चलिए दोस्तों इसे बेक करते हैं, इसके अंदर रखते हैं। लें जी दोस्तों, हमारा होममेड यीस्ट के साथ नान ब्रेड तैयार है, कलौंजी और मेथी वाला, तो आप इसे ज़रूर बनाइएगा, ये बहुत ही सॉफ्ट, ये देखिए कितना सॉफ्ट और यमी बना है।
ठीक है, ये होममेड यीस्ट है तो इस वजह से ये इतना ही फूलेगा, ये इतना ही सॉफ्ट बनेगा। तो आप इसे ज़रूर बनाइएगा और मुझे इजाज़त दें, मेरे इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।